नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको यह HPLP स्प्रे गन जो है उसको कैसे सेटिंग करना है वो दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा HPLP स्प्रे गन, थोड़ा सस्ता स्प्रे गन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ प्राइमर मारने के लिए। HPLP का मतलब है हाई वॉल्यूम लो प्रेशर स्प्रे गन। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे कैसे सेटअप करता है वो। ये स्प्रे गन मेरा 1.8 टिप का स्प्रे गन है, इसके ऊपर इधर लिखा रहता है अगर आप देख सकते हो तो। ये 1.8 टिप का स्प्रे गन है और ये मैं यूज़ करता हूँ प्राइमर लगाने को। लेकिन आप अगर आप बेसिक बेस कोट क्लियर कोट पेंट करना चाहते हो तो आपको चाहिए 1.3 या 1.4 टिप का स्प्रे गन, और कुछ भी उसके ऊपर है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा प्राइमर्स, 2K प्राइमर्स, एपॉक्सी प्राइमर्स, इसके लिए जो टिक रहता है, थोड़ा डार्ट रहता है वो। तो डार्ट मटेरियल के लिए आपको ऐसे 1.8 टिप और बड़े टिप्स यूज़ करने पड़ते हैं स्प्रे करने के लिए। लेकिन आप चाहे तो 1.3 टिप या 1.4 टिप पर भी वो टिक मटेरियल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा रिड्यूसर डाल के वो मटेरियल थिन बनाना पड़ेगा ताकि वो बारीक टिप से अच्छे से फ्लो आउट हो सके। तो इधर आप देख सकते हैं स्प्रे गन के ऊपर बहुत नॉब्स है। इधर एक नॉब है, ये एक है और ये एक है, तीन नॉब्स है स्प्रे गन के ऊपर। तो इस नॉब्स का क्या यूज़ है वो अब मैं दिखाऊंगा आपको। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये है एयर प्रेशर का नॉब, कितना हवा आपके स्प्रे गन में अंदर आता है। तो इधर मेरा, इधर आप देख सकते हैं इधर भी एक नॉब है, इससे मैं ज़्यादा एडजस्ट करता हूँ, इसको ज़्यादा टच नहीं करता हूँ। ये मैंने एक ही सेटअप फुल पे डाल के छोड़ दिया है और मैं इधर से एडजस्ट करता हूँ मेरा एयर प्रेशर। तो इससे भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपना एयर प्रेशर, और इधर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इधर यूज़ करता हूँ। और इससे आप अपना कितना PSI चाहिए वो सेट कर सकते हो। आपको गन को ऐसे आधा प्रेस करना पड़ेगा। इधर देखिए, ये मैंने प्रेस नहीं किया है, ये फुल प्रेस है और ये आधा प्रेस है। तो ये आधा प्रेस करके आपको ये नॉब जो है वो घुमाना है, और आपका प्रेशर आपको 20 पे चाहे तो 20 पे डालना है, 30 पे चाहे तो 30 पे डालना है, इधर से आप एडजस्ट कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड फ्लो का नॉब। ये है फ्लूइड फ्लो का नॉब, ये आपका कितना फ्लूइड बाहर आता है उसके लिए है। तो इसको भी देखिए, ये फुल क्लोज होता है, अभी मैं टाइट करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा इतना ही दबता है ट्रिगर, और इससे ज़्यादा नहीं प्रेस होता है। तो अभी इसको सेटअप कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। इसको पहले आपको पूरा खोलना है, ये प्रेस करके ही खोले, नहीं तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं ये और प्रेस नहीं होता है, बाद में ये और प्रेस नहीं होता है, तो फिर से आपको टाइट करना है। और जब ये देखिए, अभी क्योंकि मैं इधर प्रेशर डाल के हूँ, ये और नहीं घूम रहा है, ये ऑलरेडी हो गया है ऑलरेडी। अब मैं और प्रेशर डाल के घुमाऊँगा तो ये ऊपर आने को चालू होगा। तो मैं अभी इसको थोड़ा लूज़ रखता हूँ और ये घुमाता हूँ। देखिए, तो इतना ये है फुल फ्लूइड फ्लो पे अभी मैंने इसको रखा है। और बाद में ये सेटअप होने के बाद ये वाला जो है वो टाइट कीजिए ताकि आपका सेटिंग हिल ना जाए। तो ये हो गया हमारा फुल फ्लूइड फ्लो का सेटिंग। ये जो नट है मेरा वो थोड़ा बाहर आया है, इसको मैं थोड़ा अंदर डालता हूँ। तो उम्मीद है आपको मालूम पड़ गया आपका फ्लूइड फ्लो का सेटिंग क्या है वो। तो ये हो गया, तो फिर से आपको मैं दिखाऊंगा। ये पहला लूज़ कीजिए, ये लूज़ करने के बाद इसको टाइट कीजिए, बाद में ये प्रेस करके रखिए, बाद में इसको लूज़ करिए ताकि ये सब इधर टच होता है। तो ये अभी इधर टच हो गया, अभी इधर टच हो गया, अभी और नीचे ये नहीं आ रहा है, तो फिर से आपको टाइट करना है ताकि ये थोड़ा ऊपर आ जाए। थोड़ा ऊपर आने के बाद ये वाला टाइट कीजिए और ये हो गया आपका फुल फ्लूइड फ्लो सेटिंग। बाद में ये नॉब जो है वो कुछ स्प्रे गन्स को इधर आता है, इधर आता है। ये वाला है वो आपके फैन विथ का है, अगर आपका फैन विथ ऐसा या ऐसा, ये ब्रॉड वाइड एंगल फैन विथ है, ये नैरो फैन विथ है, तो ये आपको कैसे आपका फ्लूइड बाहर निकलेगा ये एडजस्ट करने का नॉब है। तो इसको
अगर आप टाइट बनाओगे तो आपका नैरो फ्लूइड बाहर आएगा, और अगर आप इसको थोड़ा इसकी तरफ देख सकते हैं, ये नैरो है ये ज़्यादा है, तो आपका पेन जो है वो वाइड एंगल पे ऐसा स्प्रे करेगा। ये नैरो आपको रखना है जब आप कोई टाइट स्पेसेस में अगर पेंटिंग करते हो, डोर जैम्स में पेंटिंग करते हो तो आपको नैरो रखना पड़ेगा, या आप 1 mm का टचअप स्प्रे गन भी यूज़ कर सकते हो डोर जैम्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रहता है कप, और डोर जैम्स में स्प्रे करने के लिए बहुत ही मुश्किल है इतना बड़ा स्प्रे गन लेके। तो ये था मेरा फ़ैन विथ का एडजस्टमेंट। तो ये फ़ैन विथ का एडजस्टमेंट आपको स्प्रे करते करते एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा स्प्रे करना है बाद में छोड़ना है, टाइट लूज़ करना है, कैसा स्प्रे पैटर्न आपका आता है वो देख के एक बोर्ड पे ऊपर आपको स्प्रे करना है और ऐसे आपको एडजस्ट करना है ये फ़ैन विथ। बाद में ये जब स्प्रे गन आप धोते हो तो ये पूरा स्प्रे गन जो है वो आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा धोते समय। तो धोते समय सिंपली आपको ये निकालना है और थिनर में डुबो के रखना है, और ये स्प्रे कैन भी आपको निकालना है ऐसा। अगर आप देख सकते हैं इधर एक फिल्टर रहता है, वो फिल्टर आपको दिखाता हूँ, इसमें डाल के मैंने रखा है, ये वाला फिल्टर रहता है उधर, ये भी आपको थिनर में डुबो के रखना है, ये भी आपको क्लीन करना है अच्छी तरह से। इधर आप देख सकते हैं होल, बाद में आप चाहे तो ये क्लॉग हो गया तो ये भी आप स्पैनर लेके घुमा के ये बाहर निकाल सकते हो, और ये भी आपको बाहर निकालना है। ये आपको धोना नहीं है, ये सिर्फ एयर का कनेक्शन है, ये डुबो के मत रखेगा, लेकिन ये वाला आप डुबो के रख सकते हो आधा जैसा ऐसे, अगर ये ब्लॉक हो गया तो लूज़ हो जाएगा, और बाद में आप एक ब्रश लेके इसको क्लीन कर सकते हो। अगर आपको अगर आपके पास क्लीनिंग ब्रश नहीं है तो आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो इसको क्लीन करने के लिए। अगर आप ये पूरा निकालेंगे तो ये निडल बाहर आ जाता है, और बाद में आप वो भी क्लीन कर सकते हो। इस नॉब को आप देख सकते हो कैसे होल्स जैसे हैं, ये होल्स आपको श्योर करने हैं ब्लॉक नहीं हो गए करके। इधर आप देख सकते हैं कैसे होल्स है इसको, तो ये आपको ब्लॉक है तो देखने हैं, ये साइड भी आपको ब्लॉक है तो देखना है। आप इसके ऊपर हवा का प्रेशर का पाइप मार के ये ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हो। बाद में मैं क्या करता हूँ क्लीन करते समय कि मेरे कैन में मैं थिनर डालता हूँ और इसको थोड़ा ऐसे हिलाता हूँ, और बाद में थोड़ा स्प्रे मारता हूँ ताकि वो जो अंदर का पेंट है वो बाहर आ सके, और ऐसे स्प्रे करके मैं वो जो अंदर का जो पेंट है वो सब बाहर निकालता हूँ, और बाद में ब्रश लेके इसमें एक राउंड ब्रश आता है वो डाल के आपको क्लीन करना है, और इधर टूथ ब्रश लेके अच्छी तरह से क्लीन करना है। ये नीडल जो है इसमें कभी भी मेटल नीडल से क्लीन मत कीजिएगा, अगर ये डिफॉर्म हो जाएगा तो आपका सब स्प्रे पैटर्न या सब ख़राब हो जाएगा। इसको आप यूज़ कर सकते हो एक टूथपिक, इधर आप देख सकते हो एक टूथपिक लेके आप इधर थोड़ा ऐसे क्लीन कर सकते हो। तो हर पेंट जॉब के बाद आपको अपना स्प्रे गन क्लीन करना है। अगर आपने क्लियर कोट मारा तो क्लियर कोट मारने के होने के बाद आपको ये क्लीन करना है। अगर आप नेक्स्ट दिन रुकेंगे क्लीन करने को तो आपका पूरा स्प्रे गन ब्लॉक हो जाएगा, और बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी ये क्लीन करने के लिए। तो हर यूज़ के बाद आपको स्प्रे गन क्लीन करना ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्प्रे पेंटिंग में। तो अगर आपको स्प्रे पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मेरा ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग कोर्स है वो चेकआउट कीजिए, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है कैसे क्या करना है स्प्रे पेंटिंग में, जिसमें ऑलरेडी मेंबर्स आने को चालू हो गए हैं और सीखने को चालू हो गए हैं। अगर आप ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग का मेंबर्स बन जाते हो तो आपको एक्सेस मिलेगा मेरा प्राइवेट ग्रुप में, जिधर आप स्प्रे पेंटिंग का कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे, या और जो मेंबर्स है उससे भी आप पूछ सकते हो। अगर आपने किधर भी मैसअप कर दिया तो उसके फ़ोटोज़ आप उस ग्रुप पर डाल सकते हो और फीडबैक मांग सकते हो, तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा स्प्रे पेंटिंग का अगर आप एक स्टाफ मेंबर हो जाते हो तो। तो उधर आपको मिलेगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्रेनिंग अगर आप स्टार मेंबरशिप में एनरोल होते हो तो। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो स्प्रे पेंटिंग, ये स्किल आप अपने हॉबी जैसे सीखना चाहते हो, ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग कोर्स चेकआउट कीजिएगा मेंबर्स एरिया में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल हो जाते हो तो आप बन जाते हो मेरे स्टार मेंबर।
तो अगर आप मेरे स्टार मेंबर बन जाओगे तो मैं आपको कोर्स के अंदर मिलूंगा। तब तक अपने ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।